अगर लोग तुम्हारी बुराई पीठ पीछे करती है तो समझ लेना तुम उनसे कई कदम आगे हो। जी हाँ, नमस्कार प्रणाम दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सजिया का शुभ आरंभ, जो कि दोस्तों इस गाने में किसी भी तरह का ना ही कुछ प्रॉब्लम था, ना ही ये गाना अश्लील था, ना ही किसी को जलन होने लायक गाना था, फिर भी इस गाने पर आज धनंजय धड़कन से लोग इतने जलते हैं कि आज उस गाने पर रिपोर्ट आ चुका है। यानी कि बहुत लोग उस गाने से इतने जले हैं जो उनको अंदर से खुलबुली जगा दिया है कि ये गाना मुझसे आगे जा रहा है या यह गाना मुझसे कई क्वालिटी में अच्छा है। लेकिन इस जलने का मतलब तो यही हुआ कि मुझसे अच्छा गाना कैसे निकाल लिया, यही ना जलने का मतलब हुआ। तो इसीलिए आज उनसे जलने वाले लोग उन गाने पर रिपोर्ट मार मार कर उस गाने को बंद करवाना चाहते हैं, सजिया का शुभ आरंभ, जो कि दोस्तों उस गाने को पब्लिक लोग बहुत ही अच्छी तरह से प्यार देते हैं, बहुत अच्छी तरह से उसका व्यूज भी अच्छी खासी गया है और उस गाना भी बहुत सुपर हिट है, इसमें कोई कमी नहीं है। और गाना अश्लील भी नहीं है कि इसमें कोई आरोप लगाया जाए, और गाना भी किसी का कंटेंट चुराया गया नहीं है कि कोई इस पर कॉपीराइट क्लेम या कॉपीराइट स्ट्राइक भी दे सके। लेकिन फिर भी लोग धनंजय धड़कन से इतने जलते हैं कि उसका गाना बंद करवा देना चाहते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, आइए आज की इस वीडियो में हम जानते हैं कि अगर सजिया का शुभ आरंभ इस गाने पर अगर कोई बंदा रिपोर्ट मार रहा है तो क्या ये गाना YouTube से डिलीट कर दिया जाएगा या YouTube से हटा दिया जाएगा। आइए आज के इस वीडियो में इसी कंफ्यूजिंग से हम आप लोगों से बातें करते हैं कि आखिर इस गाने पर क्या होगा, कोई आदमी अगर इस गाने पर रिपोर्ट मारता है तो क्या होगा। देखिए, जलने वाले तो जलते ही रहेंगे, लेकिन जो जलते हैं वो सबसे पीछे ही रहते हैं। खैर कोई बात नहीं, वो तो उसका मामला है जो रिपोर्ट मारता है उसका। लेकिन दोस्तों आप लोग समझ सकते हैं, अगर कोई गाना YouTube का मतलब क्या हुआ, YouTube पर रिपोर्ट मारने का मतलब क्या हुआ, ये पहले हम समझते हैं। देखिए, जब आपको कोई YouTube पर यानी खराब कॉन्टेंट मिलता है या गलत कॉन्टेंट मिलता है या दूसरे टाइप का कॉन्टेंट मिलता है या किसी का मर्डर हो गया या लाइक किसी का हो सकता है जो किसी ऐसे आदमी का तस्वीर जो उन YouTube पर पब्लिक नहीं रहना चाहिए, ये मतलब कि YouTube पर कोई भी चीज़ अगर आपको गलत वीडियो दिखा तो उस पर आप रिपोर्ट मार सकते हो। रिपोर्ट मारने का मतलब ये हुआ जैसे कि आप पुलिस थाना में कंप्लेन करते हो, तो इसी प्रकार से ये भी होता है कि इस पर आप रिपोर्ट कर दिए तो ये YouTube का टीम जो होता है उस वीडियो को चेक करेगा कि हाँ ये सच में ये कंटेंट जो है गलत है या सही है। तो YouTube इसको चेक करेगा, जब YouTube इसको चेक करके वेरीफाइड कर देगा हाँ अगर गलत होगा तो इसको रिमूव करवा दिया जाएगा या इस पर कम्युनिटी गाइडलाइन का स्ट्राइक लग जाएगा, तो वह चैनल टर्मिनेट होने का डर रहता है। तो जिसमें अगर जो कंटेंट अच्छा ही है, जिस मतलब कि जो कंटेंट ठीक है उसमें किसी भी तरह का बुराई नहीं है, तो YouTube उस वीडियो को और रीच बढ़ा सकता है, और रीच बढ़ा देता है कि और भी लोगों तक पहुंचे। क्योंकि जब YouTube एक बार वेरीफाई कर लिया कोई वीडियो को तो उसमें कितना भी आप रिपोर्ट मार दीजिए, कितना भी कोई बंदा रिपोर्ट क्यों ना मारे, उस वीडियो पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सजिया का शुभ आरंभ इसमें आप अपने दिल से पूछिए, आप अपने खुद देखिए कि सजिया का शुभ आरंभ जो गाना है इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे तो अभी तक कोई दिक्कत नहीं दिखा, अगर आप लोगों को दिखा तो प्लीज़ मुझे आप लोगों भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। तो दोस्तों इस गाने में किसी भी तरह कोई दिक्कत ही नहीं, फिर भी लोग इतने जलते हैं उस गाने से तो क्या ही बताएं। तो खैर कोई बात नहीं, आज हम आप लोगों को बता ही दिए कि अगर कोई गाना पर रिपोर्ट मार दिया तो क्या वो गाना ख़राब हो जाएगा या वो गाना YouTube से डिलीट हो जाएगा, ये तो आप लोगों ने समझ ही गया। अगर गलत कंटेंट होता तो डिलीट कर दिया जाता, अगर नहीं गलत कंटेंट नहीं है तो कितना भी रिपोर्ट क्यों ना मारे उस पर उससे कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो खैर कोई बात नहीं, जिसका जो काम है वो करते रहते हैं और जिसका जो काम है वो भी करते ही रहते हैं। तो चलिए खैर कोई बात नहीं, आज के इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहते हैं, क्योंकि धनंजय धड़कन इस बारे में लाइव नहीं आए थे तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को बता दिया जाए कि सजिया का शुभ आरंभ जो इतना सुपरहिट गाना है, इतना अच्छी क्वालिटी का गाना है, इस पर भी लोग जलते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, चलिए तो आज का इस वीडियो में यही इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों को देना चाहते थे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को ये न्यूज़ सुनने में कैसा लगा मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। यदि आप लोगों को ये न्यूज़ सुनने में अच्छा लगा है तो दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप लोग मुझसे जुड़ना चाहते हैं या मेरी चैनल से जुड़ना चाहते हैं, आप लोग ऐसे ही वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर दीजिए, इससे आप हमारी कोई भी वीडियो को मिस नहीं कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी और ऐसे ही मज़ेदार बड़ी न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।